हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंसरकारी। टुडे वी आर टेकिंग अप क्वेश्चंस ऑफ जीएस पेपर वन। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू द ओशन करंट एंड वाटर मासेस डिफर इन द इम्पैक्ट ऑन मरीन लाइफ एंड कोस्टल एनवायरनमेंट, गिव सुटेबल एग्जांपल। तो आई जस्ट मेंशन कि ओशन करंट दो टाइप का होता है, सरफेस करंट होता है और लार्ज अंडर करंट होता है। तो डायग्राम बना दिया कैसे, और फिर उसी से एक्सप्लेन करते हैं नीचे में। ओशन करंट इम्पैक्ट ऑन द मरीन लाइफ और कोस्टल एनवायरनमेंट कैसे, इट ब्रिंग्स द रिसोर्सेज एंड फिशेज टू द सर्फेस फॉर फिशिंग इंडस्ट्री। एग्जाम्पल, ओवरशू एंड फॉरशू करंट मीट इज द बेस्ट जोन फॉर द फिशिंग। इट डिस्ट्रीब्यूट्स द टेम्परेचर इवनली। एग्जाम्पल, इक्वेटोरियल काउंटर करंट एंड पोलर करंट प्रिवेंटिंग मिक्सिंग ऑफ करंट टू ड्रास्टिकली। इट इम्पैक्ट्स लोकल वेदर। एग्जाम्पल, वार्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रिप टूवर्ड्स द ब्रिटेन मेक्स इट क्लाइमेट आइस फ्री थ्रू आउट द ईयर। इम्पैक्ट्स वर्ल्ड क्लाइमेट। एग्जाम्पल, पेरुवियन करंट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन साउथ वेस्ट ट्रेड इवेंट काउजिंग एल नीनो एंड दाल। वाटर मासेज ऑल्सो अफेक्ट द मरीन लाइफ एंड कोस्टल एनवायरमेंट डिफरेंटली, लाइक ब्रिंगिंग ऑफ सिल्ट बाय द रिवर बेसिन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा एंड न्यू हाइब्रिड इको सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, इन बे ऑफ बेंगाल, वहाँ पर जो मैंग्रोव्स है। द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर इन द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल वीकेंस द पोलर करंट एंड काउजिंग द मेल्टिंग ऑफ आइस। इट रिजल्ट इन इम्पैक्टिंग ऑन लोकल टेम्परेचर ऑफ कोस्टल एनवायरमेंट। तो एग्जाम्पल, लेबराडोर करंट। तो इसमें ठीक वाटर है। हाँ मासेस जो था ना, इसमें डाउट था, वाटर मासेस इसके बात कर रहे हैं। हाँ तो इन दोनों में कुछ डिफरेंस होगा। आपने स्टार्टिंग में ओशन करंट्स की बात करी और फिर ये मतलब ठीक है, जो डायग्राम है ओशन करंट का ही आपने एक्सप्लेन किया, सरफेस करंट और मरीन लाइफ टेम्परेचर। के लिए बेसिकली, और नीचे में डेब्रिस है और दोनों ऊपर लेके जाते हैं तो से फिशिंग स्पॉट बनता है। काउंटर का जो तो करंट होता है ना, इम्पैक्ट कोल्ड और आपने, वार्म। हाँ आपने तीन चार इम्पैक्ट्स लिखे हैं ओशन करंट्स के, कि मरीन लाइफ पर और कोस्टल एनवायरनमेंट वो बोल रहे हैं, तो कोस्टल तो ऊपर एनवायरनमेंट। मरीन लाइफ हो गया, नीचे में कोस्टल लाइफ, लोकल वेदर, ब्रिटेन, कोस्टल एनवायरनमेंट, ठीक है वर्ल्ड क्लाइमेट भी करता है बेसिकली, एल हाँ, नीनो वाटर डाल। मासेस में थोड़ा और करने की जरूरत है। मतलब पहले तो ये पता ही होना वाटर चाहिए मासेस क्या हुआ सर, कि वाटर मतलब वाटर मासेस, मासेस मुझे लगा कि बाकी सब ओशन करंट के अलावा वाटर मासेस। नहीं कुछ डिस्टिंक्शन तो होगा भाई क्लियरली, तो मैं भी मतलब कॉन्फिडेंटली तो नहीं बोल सकती क्या डिस्टिंक्शन होगा, बट वो क्वेश्चन बोल रहे हैं डिफरेंटली, वो पूछ रहे हैं तो कुछ तो होगा ही जरूर वाटर मास और ओशन करंट्स में। वाटर मास मतलब होता है कि मतलब ओशन करंट के नीचे वाला पार्ट, मतलब डीप ओशन का वाटर अच्छा मास होता डीप है। ओशन करंट डीप, और नीचे सेम ही चीज हो, मतलब उसका अलग निकल। हाँ लेकिन फिर वाटर मास अगर डीपर लेवल पे होता है तो फिर उसके क्या अलग से इम्पैक्ट होंगे? अब कोस्टल पे तो उसका सेम ही क्या होता वाटर मिलेगा? डिफर में मैं बताता था कि जो नीचे वाला है ना वो थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि पहला वाला इंटरेक्ट करता है वो ट्रेड विंड बाकी सबसे, नीचे वाला मेंटेन करता है थर्मो हाइलिंग सर्कल साइकिल साइकिल, और दूसरा सॉल्ट साइकिल, तो वो लेके आता है वो टेम्परेचर और सॉल्ट। ठीक है। हाँ व्हाट इज वाटर स्ट्रेस एंड हाउ एंड व्हाई इट डिफर्स रीजनली इन इंडिया। तो मैंने बताया कि 1500 मीटर क्यूब है वाटर का अवेलेबिलिटी ईच सिटीजन, अगर वो 1100 होता है इट विल कॉल्ड वाटर स्ट्रेस कंट्री। सम स्टेट्स में ऑलरेडी वाटर स्ट्रेस है, एग्जाम्पल पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। तो लिखा हुआ डिफर रीजनली, तो मैंने एग्जाम्पल बताया कि पंजाब में कैसे वाटर फ्रीली अवेलेबल है फॉर द व्हीट राइस साइकिल, हाउएवर देयर इज इलेक्ट्रिसिटी वाटर सब्सिडी विच लीड्स टू द ओवर यूज ऑफ वाटर फॉर इरीगेशन। उसके बाद है कि फोकस ऑन द क्रिएशन ऑफ वाटर स्टोरेज फैसिलिटी लेस फोकस होता है जैसे लाइक यूपी, तो इसी कारण वाटर स्ट्रेस रीजन। तो क्यों है, वाई हो गया क्यों है, इसमें वाटर स्ट्रेस क्यों है, तो लो प्रोडक्टिविटी एंड वाटर प्रोडक्टिविटी, एक्सपोर्ट बेस्ड वाटर राइस साइकिल व्हीट राइस साइकिल, यूरिया पोल्यूशन ग्राउंड वाटर में, और सूडो सिक्योरिटी ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी इन द माइंड्स ऑफ पीपल, और वोट बैंक पॉलिटिक्स एंड फ्रीबीज, इसके कारण। वैसे ये रीजनली बताया था, तो दूसरा रीजन का बताया थी मराठवाड़ा बुंदेलखंड कच्छ में क्यों है, तो वहां पर टेरेन ऑफ रॉक्स और अनअवेलेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ वाटर चैनल और इरीगेशन कारण, तो वहां क्यों है, तो हाउ में हो गया, रोड रेनफॉल है, लैक ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग एरियाज है, रॉकी और ग्रेवल टेरेन है मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर कंजर्वेशन,
lack of big project until now, again Bidwa, और lack of connectivity and less human habitat. इसी कारण वहां पर मिडिल इंडिया में, वैसे ईस्टर्न इंडिया में क्यों है, तो वेस्ट झारखंड और वेस्ट बंगाल वहां पर डिफरेंट है, क्योंकि पॉल्यूशन बाय इंडस्ट्री, एग्जाम्पल फ्लोराइड और यूरेनियम प्रेजेंस है, पॉवर्टी है, और लेस एबिलिटी ऑफ प्योर वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ वाटर कंजर्वेशन. वैसे साउथ इंडिया में चेन्नई और ईस्टर्न रीजन, ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न रीजन ऑफ वेस्टर्न घाट क्यों है, पुणे, तो वहाँ पर हाई रन ऑफ, वहाँ पर है हाई रन ऑफ, और मॉनसून डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है, मतलब मॉनसून डिपेंडेंसी वाटर इज हाई, टैंक बेस्ड इरीगेशन है विच इज नॉट सुटेबल फॉर लार्ज स्केल फार्मिंग, और इरेटिक रेनफॉल है विच क्रॉसेस वाटर क्राइसिस. तो हर एक रीजन का हाँ, हाउ एंड चार डिफरेंट आपने बता दिया, इसमें 250 हाउ एंड बता व्हाई इट दिया। डज इट डिफर रीजनली इन इंडिया. हाँ, ये दोनों चीजें आपने करी इंक्लूड कि कैसे डिफरेंट है और रीजन क्या है उसके पीछे डिफरेंट होने का। और स्टार्टिंग में वाटर स्ट्रेस पूछा तो वो आपने एक्सप्लेन कर दिया, मतलब टेक्निकली डेफिनेशन भी मेंशन कर दिए, एंड वर्ल्ड लिमिट पे दी 250 तो आपने इन डिटेल बताया, फिर तो अच्छा लिखा हुआ है आंसर, मतलब क्लैरिटी दिख रही है जो आपने आंसर लिखा है उससे। ऐसा क्रम्बल्ड अप भी नहीं लग रहा है क्योंकि आपने बहुत सारी चीजें लिखी भी है, बट ये जो चार्ट ड्रॉ करे इसे थोड़ा ऑब्जेक्टिव हो गया, और इसमें आपने मतलब रीजन बता दिया कि रीजन क्यों है ऐसा। और ये मतलब जो पॉइंट्स पे लिखे हैं वो कहीं ना कहीं मतलब ऐसा सेम सेम भी नहीं लग रहा है, तो आपने डिफरेंटली बताया है थोड़ा कि क्या डिफरेंट रीजन है। ठीक है, फिर क्या है, एक्सेस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन कोरल लाइफ क्लाइम सिस्टम विद एग्जांपल, एग्जांपल बताना था इसमें और इम्पैक्ट कैसे कर रहे. तो कोरल लाइफ सिस्टम इज जस्ट लाइक इंडियन सोसाइटी हैविंग डाइवर्स एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग इन हार्मोनियस रिलेशनशिप. ये इंट्रोडक्शन था. एग्जाम्पल प्लैंकटन, प्लैंकटन एंड कोरल रीफ. ओवर द ईयर्स कोरल रीफ इज फेसिंग चैलेंज ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग. डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया. फिर दो एग्जाम्पल ये, ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ और एक और इंडिया का गुजरात रीफ. तो ऑस्ट्रेलियन रीजन फेसिंग ब्लीचिंग ड्यू टू ओशन एसिडिफिकेशन, उसके कारण वो जो CO3 है, ऐसे कार्बोनेट आयन है, वो ऐसे डिजोल्व होते हैं और आउटर सेल से डिजोल्व हो जाते हैं. द फोटो प्लांकटन डीकेस, इट ऑल्सो इम्पैक्ट द लाइफ ऑन फिशेज एंड माइग्रेटरी स्पीसीज. वैसे इंडिया में भी गल्फ ऑफ कच्छ में कोरल रीफ वॉज सीन नैरो एंड कलरलेस ड्यू टू पॉल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल सीवेज. सो गवर्नमेंट इज टुकिंग इनिशिएटिव ऑफ बायोरॉक टू जनरेट आउटर सेल ऑफ कोरल टू अट्रैक्ट द फोटो प्लांटिंग टू मेक कॉल. इट इज ऑन गोइंग प्रोसेस. अदर स्टेप्स टेकन बाई गवर्नमेंट है कि पॉल्यूशन चेक ऑन नियर बाई इंडस्ट्री, टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन, दूसरा लुक फॉर ऑल्टरनेटिव लाइक बायोरॉक एंड फास्टर नेशनल डिटरमाइन कंट्रीब्यूशन अडॉप्शन. तो ठीक है, आप इस स्ट्रक्चर में बट आप मतलब पॉइंट फॉर्मेट में लिख देते तो थोड़ा इतना मतलब पूरा रीड नहीं करना पड़ता जो आपने दो एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन किया। और बाकी आपने इम्पैक्ट्स में एक तो कोरल ब्लीचिंग के बारे में लिखा है, ओशन एसिडिफिकेशन की आपने बात करी, एसिडिफिकेशन लिखा है इम्पैक्ट ही आपने, सिर्फ पूछा था तो आधा में खत्म हो इम्पैक्ट गया पूछ रहे हैं। हाँ इम्पैक्ट, और मैं था. वही सोचू कि एक तो कोरल ब्लीचिंग हो सकता है और इसके अलावा कोई और पॉइंट हो सकता है कि नहीं हो सकता। कोरल लाइफ सिस्टम है तो फिशिंग का हो गया, उसके बाद फिर डिटॉक्सिफिकेशन भी प्रोटोप्लैंक्टन हो गया, जू प्लैंक्टन हो गया, और फिर यही माइग्रेटरी स्पीसीज हो गया. ये हाँ, चार पांच कोरल था कोरल लाइफ सिस्टम लाइफ. पूछ रहा है हाँ पूरा। ठीक है, हाँ आज चला कुछ कह रहे थे, मैं बोल रही थी यूट्रोफिकेशन भी माइनर कर सकते हैं ना मेंशन उसको। हाँ यूट्रोफिकेशन भी हो सकता है, मतलब यूट्रोफिकेशन बेसिकली कोरल ओशन। राइफ वाला में कम चांसेस है, इसमें वाला में यूट्रोफिकेशन का लिख यूट्रोफिकेशन सकते हैं, मतलब लेकिन थोड़ा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है. हाँ जो मेरी हाँ वो क्लैरिटी थोड़ा पॉन्ड और इससे रिलेटेड है, हाँ जहाँ पर सिग्निफिकेंट बैठता हो है सकती है। ले के सब लोटिक बोलते हैं ना, डेंटिक, डेंटिक. अब डिस्कस द कॉजेज ऑफ डिप्लीशन ऑफ मैंग्रोव्स, कॉजेज ऑफ डिप्लीशन एंड एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस. तो मैंग्रोव्स आर फाउंड ऑल ओवर इंडिया, एग्जाम्पल सुंदरबन, वेस्ट बंगाल, चिल्का मैंग्रोव, गुजरात, पोलिकट लेक. तो ऐसा मैंने एग्जाम्पल बताया. तो मैंग्रोव ड्रॉइंग बना दिया, सॉल्टी वाटर, हाई टाइड, लो टाइड, एपिफाइट होता है, मैंग्रोव इकोसिस्टम इन सॉल्टी वाटर, ये ड्रॉइंग है. कॉजेज ऑफ डिप्लेशन, तो पहला है कि सिल्टिंग, सिल्ट ब्रॉट बाय द रिवर्स लाइक गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, मिक्सिंग ऑफ प्योर वाटर एंड सी वाटर, ह्यूमन एक्सप्लोटेशन फॉर रिसोर्सेज लाइक वुड्स एंड हर्ब्स, वाटर पोल्यूशन हार्मिंग द पोर्स ऑफ द एपिफाइट, क्लाइमेट चेंज ड्यू टू सी लेवल राइज एंड एसिड ओशन एसिडिफिकेशन. मैंग्रोव्स के इंपॉर्टेंस कहाँ कहाँ पर है, तो एक्ट्स एज ए किडनी बाय रिमूविंग द केमिकल्स एंड टॉक्सिन इन द वाटर, एक्ट्स एज इकोलॉजिकल सर्विस बाय प्रोवाइडिंग शेल्टर एंड फूड टू द बर्ड्स एंड ट्रीज, एग्जाम्पल टाइगर लिविंग इन द सूरन बर्ड,
प्रोटेक्टिंग द कोस्टल इकोसिस्टम फ्रॉम डिजास्टर साइक्लोन एंड सुनामी स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट हैज सेड दैट इट इंडिया मैंग्रोव एरिया हैज इंक्रीज टू 3.1% यहाँ पे आप मैप के थ्रू बस बता देते कि इंडिया में कहाँ पे मैंग्रोव्स मिलते हैं, बाकी तो वो ठीक ही है, मतलब डायरेक्टली आपने लिख दिया कि कॉजेस क्या है कॉजेस था और एक्सप्लेन इम्पोर्टेंस इम्पोर्टेंस. कोस्टल का इकोलॉजी. हाँ कोस्टल इकोलॉजी पे मिलेंगे मरीन वो मैंग्रोव्स. तो फूड शेल्टर ये टॉक्सिन पॉइंट्स रिमूवल तो सारे लिख ही दिए, साइक्लोन और तो ऐसा. कुछ मेरे माइंड में आए नहीं अलग पॉइंट. कॉजेस और डिप्लेशन में भी ठीक लिखे हैं, और तो क्या हो सकते हैं ये, मतलब ह्यूमन क्लाइमेट रीजन. चेंज ह्यूमन एक्सप्लोटेशन नेचुरल ये तीन एरिया. ठीक है. इंडिया रिमेन्स पोटेंशियल सोलर एनर्जी पहला को था. देयर आर रीजनल वेरिएशन डेवलपमेंट. तो मैंने बताया कि इंडिया अभी 62 GW ऑफ सोलर एनर्जी है जिसका टारगेट है 175 होना अंडर द ISA. इंडिया इमेंस पोटेंशियल कैसे प्रेजेंस ऑफ लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री अंडर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इक्वेटर तो कैट फेसेस द कंटिन्यूअस सन रे हैविंग PLI स्कीम ऑन सोलर सेल एंड अफोर्डेबल रेट ऑफ एनर्जी जनरेशन मेकिंग इट सक्सेस एग्जाम्पल भाजरा सोलर प्लांट से एस्टेब्लिश हुआ. इंडिया इज आउटरीच इन द इंटरनेशनल कंट्री अंडर ISA टू शेयर द अंडर ग्रुप अंडर टारगेट ऑफ $1 trillion फॉर सोलर एनर्जी प्रेजेंस ऑफ थार डेजर्ट वेयर ह्यूमन हैबिटेट इज स्पार्स इज आइडियल लोकेशन फॉर सोलर फार्म. तो वो क्या फिर इंडिया पॉपुलेशन पॉपुलस कंट्री है तो इट इज बिकमिंग इंडियन एनर्जी कंज्यूमर इट्स इट्स इट कैन बी स्टैंडर्डलाइज थ्रू PM कुसुम फॉर जनरेशन ऑफ सोलर एनर्जी बाई इंडिविजुअल फार्मर. प्रेजेंस ऑफ लार्ज मिडिल क्लास पॉपुलेशन इन फ्लैट हैव स्कोप फॉर रूफ टॉप सोलर फार्म तो पोटेंशियल हो गया. और हाई डेट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी और पावर सेक्टर में इंसेंटिवाइज टूवर्ड्स द सोलर एनर्जी एज ऑल्टरनेटिव एनर्जी. रीजनल वेरिएशन कैसे तो रीजनल वेरिएशन बताया कि इंडिया में थार डेजर्ट है कच्छ रीजन है वहाँ पर सोलर एनर्जी का ज़्यादा चांसेस है. रिच एरियाज में अडेप्शन फास्टर रेट मोर है गुजरात कर्नाटक महाराष्ट्र में. लेकिन हिली और माउंटेनियस रीजन में हाइड्रो इलेक्ट्रिक और जियो थर्मल ज़्यादा सुटेबल यूके उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में. नॉर्थ ईस्ट में उतना लेस सुटेबल क्योंकि वहाँ फॉरेस्ट का है. हाउएवर इन स्पाइट ऑफ रीजनल वेरिएशन देयर इज ह्यूज पोटेंशियल. तो ये पहले आता जब मैं लिख लिया ना तो मुझे याद है कि ये पहले आता कि रीजनल वेरिएशन है. हाउएवर देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल वो पहला वाला बात ये इसको लिखने के बाद याद है. इन डिटेल लिखा आपने, अच्छे से कवर किया. मतलब पोटेंशियल जो मैंने मिस कर दिया था, मैंने पोटेंशियल की इतनी बात नहीं करी थी, तो आपने इसको डिफरेंटली लिखा, मतलब सेपरेटली लिखा है तो दोनों. इसमें मैंने एग्जाम जो क्वेश्चन का फ्लो में चल रहा इसमें कि इमेंस पोटेंशियल आफ्टर रीजनल वेरिएशन. लेकिन पहले रीजनल वेरिएशन बताता आफ्टर हाँ इन स्पाइट ऑफ रीजनल वेरिएशन देयर इज इमेंस पोटेंशियल कैसे तो फिर अच्छा होगा रीजनल सीधा होगा. वेरिएशंस में थोड़े मतलब अगेन जो प्रैक्टिकल चैलेंजेस हैं वो भी लेके आते, हाँ वो भी लिखा की रूरल वजह से भी थोड़ा जो रीजनल वेरिएशन अर्बन डिवाइड लेके आते हैं वो नहीं आया जो मतलब उसके बाद इकोनॉमिक की फिर. जो चैलेंजेस हैं, हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंस है चाइना के ऊपर, तो उसकी वजह से भी हमें रीजनल वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, और डोमेस्टिक मैं सिर्फ प्रोडक्शन कल ही रिच स्टेट्स के हिसाब से वेरिएशन किया स्टेट्स और लोग वो जोग्राफिकल लोकेशन. रीजनल वेरिएशंस. बट हाँ अगेन अगर हम इंपोर्ट डिपेंडेंस बोल रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट्स के सक्सेस रेट के ऊपर या उनके इम्प्लीमेंटेशन लेवल के ऊपर भी इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि इम्पोर्ट डिपेंडेंस हमारी. तो बाकी तो आपने अच्छे से मतलब एड्रेस किया सेपरेटली दोनों चीजों को, आपने लिखा है क्लियरली, पर थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में बोल रही हूँ, बस वो लेके आ सकते थे कहीं कहीं पे, सारी चीजें नहीं, थोड़ा बहुत ले आ सकते थे हम लोग. ठीक आंचल एंड दिव्या, आप लोगों को कुछ बोलना है, फीडबैक क्या शेयर करना है कुछ? नहीं क्या आंचल? नहीं अच्छा लगता है. ठीक है, चलो तो प्रवेश के ले लेते हैं. चोला आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट्स हाई ठीक वाटर है. मार्क इन द एवोल्यूशन ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर डिस्कस. तो चोला आर्किटेक्चर को पूछ रहे हैं. सो लेजेंडरी रूलर्स लाइक राजा राजा एंड राजेंद्र वर्मन, देयर कल्चरल एफिलिएशन लेड टू द मैग्निफिसेंट टेंपल बिल्डिंग चोला एम्पायर में. सो फेमस चोला टेंपल्स की बात की है, कौन कौन से हैं एग्जाम्पल्स दे रही है, सेलियंट फीचर्स हैं टेंपल आर्किटेक्चर के. सो द्रविड़ियन स्टाइल आर्किटेक्चर हैविंग मल्टीपल मतलब फीचर्स मेंशन कर दिए, डायग्राम अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर टैंक्स वो ही कंटिन्यूड है, प्लेसिंग ऑफ नंदी आउटसाइड द मेन टेम्पल,
सोल टेम्पल, सो टेम्पल्स रिप्रेजेंट द सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल पावर द एंशिएंट इंडिया, लीजिंग द रूलर्स, इकोनॉमिक सेंटर्स, रिलीजियस कल्चरल गैदरिंग्स हुई हैं, सोसाइटल सेटअप. सो इन चोलर टेम्पल आर्किटेक्चर हुज फाउंडेशन बेस्ड ऑन लिटरेचर. मतलब यहाँ अगेन क्वेश्चन तो ये बोल रहा है ना, चोला आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट करता है हाई वाटर मार्क इन द एवोल्यूशन ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर. तो ये थोड़ा तो इसने सेपरेट एवोल्यूशन ऑफ हो टेम्पल गया कि आर्किटेक्चर बताना था हाँ स्टार्टिंग लिंक में, लिंक नहीं हो पाया चोला कैसे आर्किटेक्चर बताता? अगर लिंक अगर मेरे को बता लिखना दिया. होता आंसर इसे, तो बता दे कि जो एवोल्यूशन ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है वो भीतर गांव से स्टार्ट हुआ है, जहां पर एक डब्बा मतलब छोटा सा, वहां से एक ग्रैंड्योर कैसे इवोल्यूशन हुआ है, और चोला क्यों सबसे ऊपर है। तो फिर नीचे में ड्रॉइंग बना देता जो मैंने बनाया कि इसे प्रॉपर, हाँ वो हाँ और जो स्ट्रक्चर. पहले जो छोटा टेम्पल था वो सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस पार्ट था, वो धीरे धीरे वो एक सोशल और कल्चर का पार्ट भी बन गया। जैसे उसमें विलेज का पंचायती राज का सिस्टम भी थोड़ा तो आ गया, नाडू और वलनाडू वाले सिस्टम, साथ ही साथ टैक्स कलेक्शन हो गया, या फिर लोकल सी एस आर जो पर्सपेक्टिव आज सोचते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस समय टेम्पर के हिसाब से था सी एस आर। तो वो इवोल्यूशन हुआ आर्किटेक्चर में, मतलब तो पावर इवोल्यूशन। सेंटर बन गया हाँ टेम्पल, जब इवन ड्यूरिंग अटैक्स तो सबसे पहले अटैक टेम्पल्स के ऊपर ही किया जाता था. तो हाँ, और इसमें पूछा कि इसमें बोला नहीं कि एक्सप्लेन द चोला आर्किटेक्चर या एग्जामिन द चोला आर्किटेक्चर, तब आपका आंसर होता है। इसमें बोला कि चोला आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट हाई वाटर मार्क इन द इवोल्यूशन, मतलब एवोल्यूशन. इवोल्यूशन बताएंगे, फिर चोलास का बताएंगे क्यों वो हाई वाटर मार्क, हाँ मतलब कि तब से। चोला आर्किटेक्चर ने कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन टर्म्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर एवोल्यूशन, तो वो हाँ लेके आना था कि चोला आर्किटेक्चर की क्या इम्पोर्टेंस रही है, तो वो उस चीज से कनेक्ट करना था. अब यहाँ पे थोड़ा सा मतलब अलग अलग सेपरेट हो गया आंसर के अंदर. फिर डिस्कस तांडव डांस एज रिकॉर्डेड इन द अर्ली इंडियन इंस्क्रिप्शंस, तो डिस्कस करना है तांडव डांस के बारे में. सो वन द बेस्ट परफॉर्मिंग आर्ट इन इंडियन कल्चर, हैविंग इट्स इंसेप्शन इन इंडियन स्क्रिप्चर्स एंड माइथोलॉजी, इंस्क्राइब्ड इन ऋग्वेद टू बी फाउंड ड्यूरिंग दी लॉ मिस्टिकल फोर्सेस इवन इन नाट्यशास्त्र. भारत में तांडव डिस्क्राइब्ड एज अ मिक्सचर ऑफ एंगर एंड लास्य. एपिक्स लाइक शिव पुराण में परफॉर्म्ड बाय शिव एट द टाइम ऑफ सतीज डेथ. महाभारत में लिखा है, मेंशन कर दिया मतलब कहाँ कहाँ पे मेंशन है. परफॉर्म्ड बाय लॉर्ड इंदिरा चोला एम्पायर द फेमस नटराजा. मतलब एग्जाम्पल्स के थ्रू बता दिया है, बट थोड़ा सा उसको अब कनेक्ट करना था. मतलब एग्जाम्पल्स तो लिखा हुआ है, अच्छे हैं डिस्कस द तांडव डांस एज रिकॉर्डेड इन द अर्ली इंडियन इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शंस. तो इंस्क्रिप्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ रिटर्न नहीं, तो इंस्क्रिप्शन का आप बात कर सकते हैं टेम्पल का, कि उसके पर जो इंस्क्राइब हुआ उसका हाँ बात कर सकते हैं। और दूसरा चीज है कि ठीक है तांडव डांस बताया, लेकिन तांडव डांस का आपने टेक्निकल एस्पेक्ट ज्यादा बात किया इसमें, हाँ कि वो वही नाट्य शास्त्र में है और फिर महाभारत में सती डेथ के बाद हुआ है, ठीक है, लेकिन उसका थोड़ा सा कनेक्ट करते हैं सोसाइटी से, कि कैसे वो रिप्रेजेंट करता है एक तो पर्सपेक्टिव ऑफ सेवा शक्ति वो आता है, फिर पर्सपेक्टिव ऑफ नेचर और पुरुष का जो कॉन्सेप्ट है ब्रह्मा पुरुष का वो का आता है, तो वो एक कनेक्ट लेते हैं, तो मतलब थोड़ा सा इकालिटेरियन कंटेम्पररी सोसाइटी का का पर्सपेक्टिव बात करते हैं एक तरह से। कंटेम्पररी सोसाइटी से और लिंक कर सकते थे इसको, क्योंकि डिस्कस बोल रहे हैं तो डिस्कस में हाँ, आप अगेन. एज रिकॉर्डेड इन अर्ली इंडियन इंस्क्रिप्शन, तो ये ऋग्वेदा बात के शिव पुराण ठीक है, और फिर मतलब कि नाट्य जैसे शास्त्र रिकॉर्ड भारत में किया उनका। गया है हमारे इंस्क्रिप्शंस में वो लिख दिया, अब उसको आप डिस्कस करते करंट सिचुएशन से, सोसाइटी से हाँ कनेक्ट करते, तो उसकी थोड़ी रेलेवेंस की बात हो जाती. आज के टाइम में हम कैसे उसका जो इम्पोर्टेंस है उसको कैसे यूज करते, कैसे वो थोड़ा सा, और बाकी तो आपने प्रैक्टिस. बताया ही स्टार्टिंग की हाँ एंगर बाकी और तो लस्ट, सारा. हाँ यहाँ ये चीज कैसे तांडव डांस इंस्पायर करता है नाट्य शास्त्र में वो लेके आते हैं उसमें, कि उसका जो फीचर है, चेहरा का जो फीचर्स है और हाथ का जो तरीका मतलब डांस करने का, वो इंस्पायर करता है नाट्य शास्त्र भारत मुनि में लोगों को, ड्रामेटिक्स में। तो ड्रामेटिक्स से आया था, एक एक आया था कॉस्मोस का, एक आया था फिर उसका मतलब गैलेक्सी और यूनिवर्स को एथिक्स एक्सप्लोरेशन एथिक्स के पे कर लिए, सकते हैं उसको कनेक्ट, एथिक्स एंड एक्सप्लोरेशन वैल्यूज. कर सकते हैं। हाँ, सिंबलिक, हाँ सिंबल ऑफ गुड विक्ट्री ओवर द ईविल, तो उसका एक सिंबल है। तो अब फोटो बना ले छोटा सा नटराज का, अगर हो सके नीचे में रागा मॉन्स्टर है, हाथ ऐसे है, डमरू है हाथ में, तो ठीक। क्या
दैट्स ऑल, चलो कैन क्लोज ओके इट. थैंक यू एवरीवन, वी विल टेक अप नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस टुमारो टू टू इंटू आंसर.